कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना जी, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलिए जी, बोलो ना। ये अच्छी बात नहीं है जी, नाराज तो मैं हूँ आपसे और आप मुझसे नहीं बोल रहे। सुनो जी, उठो ना जी, बोलो ना, कुछ तो बोलो। जिस बात का डर था वही मार दिया तूने संदीप तारा को। पमीरा, आपके मांग से आपका सिंदूर इस राधा ने उजाड़ दिया। पमीरा, झूठ बोल रहे हो तुम। संदीप तारा का कत्ल इस स्वप्निल ने किया, ये झूठ बोल रहा है। स्वप्निल, ये बात मैं भी जानता हूं कि धमकी राधा ने नहीं तुमने दी थी। तुम ही ने कहा था कि अगर राधा ने मुंह खोला तो तुम घर के किसी एक सदस्य को मार दोगे। तू ऐसा बोल रहा है? तू इस औरत के लिए हमसे इतना पराया हो गया, हमारे परिवार से इतना खिलाफ हो गया, तू शर्म आनी चाहिए छोटे, तुझे शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है तुझ पर, थू है तुझ पर। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ इनके कमरे में चलिए, वहां आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे यह साबित हो जाएगा इसी ने संदीप दादा का कत्ल किया है। हवलदार, चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारे गुनाह स्वप्निल ने किए और वो मुझे फंसाना चाहता है। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। हवलदार, मिला कुछ? सर, हमें इनके अलमारी से ये कुछ चेन, अंगूठी और ये रुमाल मिला है। ये चेन, ये तो संदीप दादा की है। ये इसके पास क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें स्वप्निल यहाँ ले आया था। वो मुझे दिखाना चाहता था कि उसने संदीप दादा को मार दिया है। ये सारी चीजें उसी बात का सबूत है सोनाली का। सारे गुनाह इसी के हैं, इसी ने किया है सब कुछ। इंस्पेक्टर साहब, किसकी बात सुन रहे हैं? झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? सबूत सब आपके सामने है, अरेस्ट कर लीजिए इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सारे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि संदीप दादा का कत्ल अगर किसी ने किया है तो वो राधा ने किया है। आप इसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, हमें अपना काम कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है, और वैसे भी हम यहाँ एक्सीडेंट की न्यूज़ लेकर आए, और फिलहाल अरेस्ट वारंट ना होने की वजह से हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। चलो वादा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तेरे बचपन की आदत अभी तक गई नहीं छोटे, अभी तक जिद करता है। बात तो खत्म हो गई। The end. Yeah. It's not the end. They lived. Happy ever after. बोलो ना जी, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। संभालो अपने आप को।
मेरा तुमने छीन लिया। नहीं, नहीं छोड़ मुझे। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हाथ मेरे संदीप के खून से रही है राधा। तुमने मार दिया ना उसे, पर क्यों राधा, क्यों? मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह का था ना, छोटी बहन की तरह माना था तुम। तमाशा देख रही हो, इसलिए जाओ यहाँ से। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है राधा, तो चली जाओ यहाँ से। बस सोनालिका, जबान संभाल कर बात कर। ये कोई मौका नहीं है इसे बात करने का। एक बार कान खोल के सुन, राधा ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? मेरा दिल और मेरा तजुर्बा कहता है कि मेरी राधा और श्लोक कुछ गलत नहीं कर सकते। इस बच्चे ने इस परिवार के लिए जो कुछ किया है ना, अरे इसका कर्ज हम 7 जन्मों में नहीं चुका पाएंगे। इस घर के लोगों ने कई बार राधा पे उंगलियां उठाई हैं, लेकिन हर बार वो लोग गलत साबित हुए हैं। इस बच्ची ने जो कुछ हमारे लिए किया है ना, इसका जो अपनापन और प्यार हमारे लिए है ना, वो शायद इस परिवार की बेटी भी नहीं कर पाएगी। सारे सबूत आपके सामने हैं, फिर भी आप इस राधा की तरफदारी कर रही हैं? ये सबूत कितने सच्चे हैं और गुनहगार कौन है, इसका फैसला वक्त ही करेगा। तब तक तुम लोग कोई फैसला मत लो। भाभी अपने आप को संभाली, हिम्मत से काम लीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। से बदला कैसे संभालो, अपने आप को कैसे संभालो। अर्थी ले जाने का समय हो गया है, आप सब लोग खड़े हो जाइए।
चाहिए क्या? सिर्फ चिल्लर? इससे तो सिर्फ बस भाड़ा निकलेगा। पूरा दिन टाइम पास करने के लिए चने भी नहीं खरीद सकती। तुम क्यों पैसों के लिए रो रही हो? तुम्हारे पास तो सोनाली का बैंक है, बस फोन करो पैसे निकालो। बोलो फोन क्यों किया है तुमने? सोनालिका जी, मैं ना आपको राधा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया है तुमने मेरा। राधा की असलियत पता करते करते मेरे परिवार ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, समझी? तो अब मैं राधा के बारे में वो भी जानती हूँ जो तुम भी नहीं जानती। अब मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? सोनाली का बैंक का अकाउंट बंद हो गया, अब पैसे कहां से निकालूंगी? लेकिन सोनालिका को राधा के बारे में ऐसा क्या पता चल गया कि अब वो मेरी खबरों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है? हे भगवान, अब पैसे कहां से आएंगे? यार स्वप्निल, एक बात बता, ये आदमी मरने के बाद भारी क्यों हो जाता है? मान गया तुम्हें उर्वशी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकले। सही वक्त पर पलटी मार दे, श्लोक और राधा की जीती हुई बाजी मेरे हाथ में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तुम्हें कितना तंग किया, कितना परेशान किया, कितना बड़ा धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, क्यों? स्वप्न, जब तुमने अपने पूरे परिवार के सामने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया, तो फिर मैं अपने पति का साथ कैसे छोड़ सकती थी? भले ही तुमने मुझे धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन वो तो मेरे पति ही ना। पति तो हूं मैं तुम्हारा, अब इस पत्नी ने इस पति की जान बचाई है, तो ये पति अपने पत्नी का शुक्रिया कैसे अदा करे? बहुत सिंपल है। जब तुम नेरुरकर परिवार की प्रॉपर्टी और श्लोक से 120 करोड़ रुपए हासिल कर लोगे, तो उसका 50% मुझे दे दो। आखिर मुझे भी तो अपने भविष्य को सिक्योर करना है ना। फिर पता नहीं तुम्हारी आदर्श कब वापस चले जाए। मजाक कर रही हो मेरे साथ? चलो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये 50% तो मैं तुम्हें तब दूंगा ना जब मुझे 100% मिलेगा। लेकिन वो 100% खुद ब खुद तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए तुम्हें श्लोक के पास जाना होगा, क्योंकि वो 120 करोड़ रुपए श्लोक के अकाउंट में, और श्लोक ही वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। क्या बात है, मान गए तुम्हें? क्या दूर की सोचती हो तुम? दाद देता हूं मैं तुम्हारी सोच पे, दाद देता हूं। अब तो श्लोक से मिलना ही होगा, और
वो भी अकेले में, और मैं जरूर मिलूंगा। आखिर 120 करोड़ का जो मामला है।